हेलो फ्रेंड, मैं हूं अनवर इब्राहिम और आप देख रहे हैं वीआईपी नजरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आप सभी बताने वाले हैं यूट्यूब की तरफ से आने वाले अपडेट के बारे में। फ्रेंड, ये अपडेट गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ जो बनाया है ना, ये सब सारे क्रिएटर मिलकर है जो इसको गुड न्यूज़ बनाया है। वो कैसे फ्रेंड, कल अपडेट निकाला था यूट्यूब की, अगर जिसके चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर पर जो वेरीफाइड टिक मिला हुआ है वो सभी से है जो हम वापस ले लेंगे। जिसके चैनल पर मिलियन में भी सब्सक्राइबर है, हम उसके चैनल से भी है जो वेरीफाइड टिक है जो उसको वापस ले लेंगे। तो ऐसे में जब बहुत सारे यूट्यूबर को इफेक्ट पड़ेगा, पड़ता ही ऐसे में, अगर जिसके चैनल पे अच्छे सब्सक्राइबर है और उसके चैनल पे से वेरीफाइड टिक ले लेता है तो चैनल पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इफेक्ट उसके चैनल पे कैसे पड़ता और YouTube ने क्या अपडेट निकाला। अब YouTube ने अपडेट ये निकाला है कि अगर आपके चैनल पे जो निकाला था कि वेरीफाइड टिक को वापस ले लेंगे, अब है जो YouTube इसको कैंसिल कर दिया है। अब है जो आपके चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर भी है तो आप अप्लाई, अगर नहीं है अभी तो अप्लाई कीजिए, आ जाएगा। और जिसके चैनल पे पहले से ही था वेरीफाइड टिक उसके चैनल पे रहेगा, ना कि उसको जो YouTube उसे रिमूव नहीं करेगा। तो YouTube का एक गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है जो सारे क्रिएटर ने मिलकर है जो इसे वापस लाया है और YouTube को मजबूरन फैसला करना पड़ा है कि इसको है जो हम वापस लेते हैं ये अपडेट को, ये अपडेट में है जो कुछ बदलाव नहीं होगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं आप सभी को कि सारे यूट्यूबर को क्या इफेक्ट पड़ता है इससे जो वेरीफाइड टिक ले लेता था तो मैं कल भी बताया था कि यार इससे है जो रियल है कौन और फेक कौन है, इससे जो किसी को पता नहीं चलता कि कौन ओरिजिनल है और कौन फेक है। तो देखिए, इसमें है जो कभी कभी क्या होता है ना, कोई कॉपी कर लेता है किसी का चैनल, कॉपी करने के बाद है जो उसके वीडियो के अंदर कमेंट करता है तो वो जो कमेंट देखने जाता है ना तो कन्फ्यूज हो जाता है कि यार ये ओरिजिनल चैनल कौन है और फेक चैनल कौन है। अगर यूट्यूब ऐसा क्रिएटर ये है जो वेरीफाइड टिक जो रिमूव कर देता तो यूट्यूब जो जिसके वीडियो के अंदर कमेंट करता है ना तो वो कन्फ्यूज हो जाता है कि यार ये रियल चैनल है कि फेक चैनल है। तो वो क्या करता है, उसके चैनल के अंदर जाकर देखता और देखने के बाद जो पता चलता है कि ये एक फेक है और रियल। कुछ चैनल ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। देखिए, आप मैंने एक चैनल बनाया, वो चैनल फेक बनाया, मैं बनाया वीवी की वाइंस के नाम का एक चैनल, फेक चैनल बनाया। और आपका एक वीडियो है जिसमें मैं जाकर आपके वीडियो के अंदर कमेंट किया, कमेंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार ये है तो वीवी के वाइंस चैनल से है जो मुझे कमेंट आया है। और मैं चेक करता हूँ कि क्या ये रियल है या फेक है। आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, रियल मत समझना, रियल है या फेक है। तो आप क्या करते हैं, आप है जो उसके चैनल, मतलब आप हमारे चैनल पे क्लिक कीजिएगा जो मैं फेक बनाए रहूँगा, तो फेक बनाए रहिएगा ना, तो जब आप क्लिक कीजिएगा ना तो हमारे चैनल के अंदर जाइएगा, फेक चैनल के अंदर, तो आपके सामने में क्या देखेगा, वीवी की वाइन से जितना वीडियो रहेगा ना वो सारा वीडियो है जो मेरा फेक चैनल है जो उसके आपके सामने में दिखेगा। तो ये कैसे दिखेगा, देखिए ये दिखेगा जैसे कि मैंने फेक चैनल बनाया और वीवी की वाइन का जितना वीडियो है ना सारे वीडियो को हम लाइक कर देना, तो आप सभी को मेरा लाइक किया हुआ वीडियो ना आप सभी के सामने देखेगा। और जैसे कि आप चैनल के अंदर जाइएगा और आपको दिखने लगेगा तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाइएगा कि यार लगता है ये एक ओरिजिनल चैनल है, इसलिए है जो YouTube ने मतलब क्रिएटर सब मिलकर है जो उस पर एक्शन लिया है और एक्शन लेने के बाद जो ये सफल भी हो गया और YouTube ने इसकी ये अपडेट को वापस ले लिया कि अब आपके चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर भी है तो आपके चैनल पर वेरीफाइड टिक रहेगा ही रहेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए #VIPNazra।